ये क्या कर रही हैं आप? हुज़ैफ़ा के लिए कपकेक्स बना रही हूँ। ये तो बाहर से भी मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन उसे मेरे हाथ के बहुत पसंद है। बर्थडे पे भी कह रहा था कपकेक्स बना दें, तो सोचा आज बना देती हूँ। निर्मल अभी ड्राइवर को भेज देगी पिक करने। अल्लाह, ये तो बहुत अच्छे बने हैं। आपको तो सारे काम आते हैं। हाँ, कोशिश करो तो सब हो जाता है। इसका मतलब है कोशिश करो तो सब हो ही जाता है। बिल्कुल, तो समझे आपका काम भी हो गया। मैंने ना बहुत रो रो कर आपकी औलाद के लिए दुआएं की हैं। थैंक यू। वैसे निमल का बच्चा आने ही वाला है, इसीलिए मुझे अपनी औलाद की फिक्र नहीं है। अभी नहीं होगी, लेकिन जब अपनी औलाद हो जाएगी ना, फिर फर्क पता चलेगा भाई के बच्चे में और अपनी औलाद में। फिर समझ आएगी मेरी बात। नहीं, उम्र से बड़ी बातें कैसे कर लेती हो? जैसे औलाद और बेऔलाद के गम से गुजर चुकी हो। रूही का कोई जाती तजर्बा तो है नहीं। हाँ, मगर लोगों को देख देख के बहुत सीखा है रूही ने। और आपको पता है, मेरी एक सहेली थी, उसकी खाला का भी यही मसला था, औलाद वाला। बस बस बस, समझ आ गई है मुझे। ये बन गए हैं, बस 5-10 मिनट्स में फ्रिज में रख देना, ठीक है? तब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ। कर दूंगी। थैंक यू। जितनी खुशियां मनानी थी मना ली। अब खुशियां मनाने के दिन रूही के हैं।